मेरा नाम मोहम्मद उस्मान शरीफ है, मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स एंड कॉटन इंडस्ट्रीज कराची का जनरल सेक्रेटरी। आज हमने मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए ये कैंप मुनक्किद किया था, जिसका मकसद ये था कि हम यहाँ तस्वीर नुमाइश भी करेंगे मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों पर जो जुल्म ज्यादती और भारतीय तशद्दुद और दहशतगर्दी हो रही है, और मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमान 182 दिन से ऊपर होने के बावजूद भी कोई उन्हें बुनियादी हुकूक हासिल नहीं है। वो घरों के अंदर मुकीद हैं, खाने पीने की सहूलियात सबसे वो महरूम हैं। OIC, UNO बेहिशी का मुजाहरा करते हुए खामोश हैं, और उम्मत मुस्लिमा मुसलमाना ने कश्मीर आज बेसहारा बे आसरा और बे यारो मददगार है। दुनिया भर के अंदर कहीं से भी उनके हक में आवाज़ नहीं उठाई जा रही। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की मदद के लिए सियासी अखलाकी तौर पे जो है उसकी मदद करता रहा है, सिफारती बुनियाद पे भी उसकी मदद करता रहा है, और पूरी दुनिया को इस पर मुतवज्जा करता रहा है कि मकबूजा कश्मीर के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी जुल्म और ज़्यादती को जो ख़त्म किया जाए, और मकबूजा कश्मीर को जो है अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो है ख़ुद इस्तेफाद के जो है उनको हक़ दिया जाए, ताकि वो जो है ख़ुद अपने इस्तेफाद राय के ज़रिए पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ रहें, आज़ाद रहना चाहते हैं तो आज़ाद रहें। जो UNO के अंदर करारदाद पेश की गई थी उस दौर के अंदर आज से 72 साल पहले, उस पर जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। दारफूर के अंदर तो इस पर इम्प्लीमेंट हो जाता है फौरी तौर पर, लेकिन मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए जो है अब तक अक़वामे मुत्तहिदा की करारदाद पर कोई भी जो है अमल नहीं हो सका है, क्योंकि 72 साल गुजर चुके हैं। पाकिस्तान के नाहल ना अकबर देश अफगानों ने कोई भी मकबूजा कश्मीर के लिए जो है कार्रवाई नुमाएँ अंजाम नहीं दिए, जबकि पाकिस्तान एक एडमिट मुल्क है, वो दुनिया भर के अंदर सिफारती सतह पर भी कानूनी सतह पर भी जंग लड़ सकता था और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को जो है आज़ादी ला सकता था, लेकिन नाहल और नालायक हुक्मरानों के कमज़ोरी के नतीजे में आज भारत को जो है खुली छूट है कि वो मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों का इस्तेहसाल कर रहा है, उनके जुल्म और जोर दबा रखे हुए हैं, जबकि इस दुनिया के अंदर आलमी दहशतगर्द अमरीका और उसके दो हवारी भारत और इसराइल फलस्तीन के मुसलमानों के साथ जाती जुल्म और जोर दबा रखे हुए हैं, और भारत जो है मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ जाती जुल्म और जोर दबा रखे हुए हैं, जबकि हम हर साल 5 फरवरी को जो है मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ इजारे यकजहती करते हैं, ताकि पूरी दुनिया के अंदर इस इशू को हम हाईलाइट करें और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ होने वाली जुल्म और ज़्यादती का अजाला करने के लिए उनके साथ हम खड़े हों और उन्हें आज़ादी की मंजिल दिलाने के लिए जो है उनके साथ रहें, और ये मकबूजा कश्मीर जो है जिहाद के नतीजे में ये आज़ाद हो सकता है, ये मुज़ाकरात के नतीजे में भारत मानने वाला नहीं है।